दोस्तों बड़ी खबर ये आ रही है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। राजस्थान रॉयल्स में पहले ही आर्चर तो है ही नहीं, अब आर्चर के बाद बेन स्टॉक्स भी ऑप्ट आउट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बेन स्टॉक हैज़ बिन रूल्ड आउट ऑफ आईपीएल क्योंकि उनकी जो उंगली है वो टूट गई है लास्ट गेम में। अभी बेन स्टॉक की हाल ही के अंदर मैच के दौरान अब ये इंजरी कैसे हुई है, कब हुई है, ये तो जल्द ही आपको हम बता देंगे। लेकिन अभी राजस्थान रॉयल्स ने कुछ देर पहले इस बात का ऐलान करके बताया है कि बेन स्टॉक की उंगली में चोट लगने की वजह से वो अपने आप को आईपीएल से बाहर कर रहे हैं, मतलब मैचेस से बाहर कर रहे हैं। वो रॉयल्स के साथ ही रहेंगे और रॉयल्स को आने वाले मैचेस में सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन अब स्टोक्सी जा रहे हैं तो टीम के लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। हालांकि पहले मैच में स्टोक्स ने कुछ खास कमाल नहीं किया, वो डकआउट ही हुए थे, लेकिन टीम के अंदर उनका होना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही आता है। दोस्तों बेन स्टॉक्स एक मजबूत खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ रन बनाए हैं, तो रॉयल्स के लिए भी सब यही चाहते हैं कि वो कुछ ना कुछ दमदार पारी खेल ही जाएं। लेकिन यहाँ पर बेन स्टॉक्स आउट हो चुके हैं, मतलब बाहर हो चुके हैं गेम से, और अब आर्चर भी नहीं है, तो अब राजस्थान रॉयल्स के लिए एक बड़ा सवाल है कि ओपन कौन करने वाला है। बहरहाल आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं कि दो धांसू प्लेयर अगर टीम से बाहर चले गए हैं तो अब उनकी जगह कौन ले सकते हैं। कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो को।